दोस्तों नमस्कार। आज सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके दोनों क्वेश्चन पेपर और आंसर की हमें उपलब्ध हो गई हैं, तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। जानकारी देने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये जो आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है ये पार्ट सेकेंड 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए था। लेवल 2 पार्ट 1 में इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधी क्वेश्चन थे। बच्चों की गलतियों एवं भ्रांत धारणाएं, इसमें 1 नंबर सही है सूचित करती है कि बच्चों की क्षमता वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है। इस तरह इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे। इसके आंसर की क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे देंगे हम, आप वहां से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि इनका अपने वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो जा सकता है, तो आप अपने सीरीज के अनुसार आंसर की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें। और यहां पे आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं जिनके गुड का निशान है, वो क्वेश्चन सही हैं लेकिन ऑथेंटिक नहीं कहे जा सकते जब तक ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की जाती है। जैसी ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, वहां से आप उसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको सही बताया गया है। ये पार्ट सेकंड है और ये पार्ट ये सेकंड ही था और ये है जो पार्ट फर्स्ट था। 56 पेज इसमें जो है मुद्रित हैं। इसमें भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सबसे पहले था। आप इनको डाउनलोड करने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जेंडर क्या है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व किरवन अवस्था काल के बच्चों की विशेषित करता है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। ये क्वेश्चन है लेवल फर्स्ट के और ये जो है आंसर की सीटेट पार्ट फर्स्ट आंसर की है। टेस्ट के कोड है जो क्यू कोड है उसकी ये आंसर की है पार्ट फर्स्ट की। और ये भी क्यू कोड और ये है जो सीटेट पेपर सेकंड आंसर की है। टेस्ट कोड है जो एक्स है। इनको आप डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। जैसी अन्य आंसर की जारी होगी तो हम वो भी ऐड कर देंगे।